अगर आपको साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जरूर जानते होंगे, और उसमें आपने काफी बार ब्लैक होल का नाम जरूर सुना होगा। और हो सकता है कि आपने ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास भी जरूर किया हो और काफी बार आपने सर्च भी किया हो, और यह भी हो सकता है कि आपको एक सही जानकारी न मिल पाई हो। लेकिन आप अगर ब्लैक होल्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आपको आज इस वीडियो पर टिके रहना होगा। आज मैं आपसे बात करूंगा इसी ब्लैक होल्स के बारे में जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज, तो चलो ना शुरू करते हैं। श्याम बीवर यानी कि ब्लैक होल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए जॉन माइकल ने सन 1783 में एक थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने ब्लैक होल के नाम का पहली बार जिक्र किया और उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। लेकिन जस्ट उनके कुछ ही समय बाद 1796 में पियरे साइमन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। इसमें इन्होंने ब्लैक होल की उत्पत्ति से लेकर अंत तक उसके साथ घटने वाली हर घटनाओं का जिक्र किया है। अगर आपको ब्लैक होल्स के बारे में कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल की जानकारी चाहिए तो आप इस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हो। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिरकार ब्लैक होल होता क्या है। देखो दोस्त, ब्लैक होल एक ऐसा ही अदृश्य कण होता है जिसके अंदर अरबों अरब किलोग्राम का द्रव्यमान होता है और गुरुत्वाकर्षण में वह अथाह होता है। उसके अंदर इतना ज्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण होता है कि जिसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, और जब उसके अंदर से प्रकाश नहीं निकल सकता इसीलिए वह अदृश्य हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि दोस्त, अगर वह अदृश्य होता है तो हमें दिखाई कैसे पड़ा, हमारे वैज्ञानिकों ने उसके बारे में जाना कैसे। देखो दोस्त, जैसे वायु अदृश्य जरूर होता है लेकिन हम उसे महसूस कर पाते हैं, उसी प्रकार से ब्लैक होल भी अदृश्य होता है लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे महसूस किया है और इस समय भी कर रहे हैं अपने अध्ययन के लिए। कोई भी जो ब्लैक होल होता है उसके मध्य में जो कण उपस्थित होता है उसे सिंगुलरिटी कहते हैं, और जो आखिरी यानी कि उसका जो आखिरी किनारा होता है उसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। तो दोस्त, कोई भी ब्लैक होल होता है वह भले ही अदृश्य होता है लेकिन उसके आसपास प्रकाश जरूर मौजूद होता है, यानी कि वह जहां पर रहेगा वहां से अपने आसपास के प्लैनेट को अपने तरफ एब्जॉर्ब करने का प्रयास जरूर करता है, और जब वह इस प्रकार से करता है तो जो भी प्रकाश होता है उसके अंदर समाहित होते रहते हैं। तो जहां तक ब्लैक होल होता है वहां तक वह काला धब्बा बना रहता है क्योंकि वहां से प्रकाश नहीं आ पाता, इसलिए हमें वह जगह बिल्कुल अदृश्य लगता है लेकिन उसके आसपास प्रकाश होने की वजह से वह हमें थोड़ा बहुत दिखाई जरूर दे देता है। यहाँ पर ब्लैक होल हो सकता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग यह अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल हो सकता है, और काफी बार एक बड़े बड़े प्लैनेट्स को ब्लैक होल के अंदर समाहित होते हुए भी देखा जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ब्लैक होल जरूर मौजूद है। ब्लैक होल हर जगह की चीजों को अपने अंदर समाहित नहीं करता, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, वह भी अपनी एक सीमा में रहकर किसी कार्य को अंजाम देता है, यानी कि उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर आने वाली हर एक चीजें उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और इतना ज्यादा छोटी हो जाती हैं कि वो आंखों को भी दिखाई नहीं देती हैं, और धीरे धीरे उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी जो ग्रेविटी होती है वह बहुत ही हाई हो जाती है और उसके अंदर से प्रकाश को भी निकल पाना असंभव सा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है। तो दोस्त, आज का तारा कल का ब्लैक होल है, यानी कि पहले मैं ब्लैक होल नहीं पहले तारे की बात करनी चाहिए कि आखिरकार तारा बना कैसे और उसका अंत कैसे होगा और वह फिर ब्लैक होल में कैसे तब्दील होगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि किसी तारे का निर्माण कैसे होता है तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया है, उसमें टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। कोई भी तारा जीवित तभी तक रहता है दोस्त जब तक उसके पास फ्यूल होता है, यानी उसके पास जब तक हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है और वह तारा चमकदार बना रहता है, और जब कोई भी तारा फट जाता है तब वहीं से एक नए ब्लैक होल का निर्माण होता है, और इसी प्रकार से एक नए ब्लैक होल्स का निर्माण हो जाता है। ब्लैक होल्स मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल, यानी कि जो तारे हमारे सूर्य से काफी ज्यादा गुना बड़े हो और उनके माध्यम से जो ब्लैक होल तैयार होता है उसे कहते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल। दूसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल, यानी कि एक ऐसा ब्लैक होल जो कि हमारे संपूर्ण आकाश गंगा के मिडिल पर उपस्थित होती है और काफी अधिक तारों को अपने अंदर समाहित कर चुकी होती है। नंबर 3 प्राइमोर्डियल यानी कि स्मॉल ब्लैक होल।
एक ऐसा ब्लैक होल जो कि ब्रह्मांड की उपस्थिति के समय से मौजूद हो और वो काफी छोटे हो, तो ऐसे ब्लैक होल को हम स्मॉल ब्लैक होल कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सिग्नियस यक्सवन नाम के ब्लैक होल को खोजा था, जो कि हमारी पृथ्वी से 1600 लाइट ईयर दूरी पर उपस्थित है और यह हमारे आकाशगंगा के अंदर ही मौजूद है। और हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक ज्ञात संपूर्ण ब्लैक होल में सबसे बड़ा ब्लैक होल एडीसी 1777 नाम के एक ब्लैक होल को खोजा है, जो कि अपने मेजबान गैलेक्सी का 14% द्रव्यमान अकेले सोख चुका है, यानी कि उसकी जितनी भी द्रव्यमान होगी संपूर्ण गैलेक्सी की। यहाँ पर किसी एक प्लेनेट, किसी एक आलू की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर संपूर्ण गैलेक्सी की बात की जा रही है कि किसी एक गैलेक्सी का जितना भी द्रव्यमान होगा उसके 14% द्रव्यमान बिल्कुल वही अकेला एक ब्लैक होल लेकर बैठा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि उस ब्लैक होल की लंबाई केवल 1 या 2 इंच एक कण होता है, जो कि इतना ज्यादा मैसिव होता है, यानी कि उसका वजन अरबों खरब किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि आखिरकार हमारे आसपास जितने भी ब्लैक होल हैं उनसे क्या हमें कभी भविष्य में कोई हानि हो सकती है? तो मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्त, नहीं, क्योंकि ब्लैक होल की भी अपनी एक क्राइटेरिया होती है। उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहां तक होगा वो वहीं तक केवल अपने अंदर किसी भी प्लैनेट किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। उनके ग्रेविटेशनल एरिया के बाहर जितने भी चीजें होंगी उन पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः हमारी पृथ्वी बिल्कुल सेफ है और ईश्वर करे हमारी पृथ्वी हमेशा सेफ रहे। अगर आपको इंटरेस्ट है विज्ञान के बारे में रोचक जानकारियों को और अर्जित करने की, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यहाँ पर, क्योंकि ऐसी वीडियोस के आने का सिलसिला कभी नहीं थमता। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हो और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।